भगवान से कौन नहीं मांगता, भगवान से ही सब मांगते हैं। भगवान को कौन मांगता है? एक बार भगवान को भी मांग कर देखे ना। एक बार एक आदमी भगवान की पूजा कर रहा था, देवियों, बहुत भाव से पूजा किया। एक साल बीता नहीं, उसने हनुमान जी की पूजा करनी शुरू की थी, एक वर्ष बीता नहीं तो जब कृपा नहीं हुई, फैक्ट्री में बरकत नहीं हुई, उसने कहा हनुमान जी में कोई शक्ति नहीं है, इनको बगल करो, इनके गुरुजी तो राम हैं, राम ही उद्धार करेंगे। हनुमान जी को बगल बिठा दिया और मंदिर में राम की मूर्ति स्थापित कर दी। एक साल पूजा किया, जब फायदा नहीं हुआ तो उसने कहा राम में भी कुछ बात नहीं, इनको भी बगल करो ना, बिठाओ शंकर भगवान को। शिव समान दाता नहीं। और शंकर जी की पूजा 6 महीने किया, उसमें भी उब गया हुआ। उसने कहा शंकर जी में भी कोई शक्ति नहीं है, बगल करो दुर्गा माता को। लिया, साल भर नहीं बीते, दुर्गा जी को भी बगल किया, कृष्ण को बिठा लिया। आखिर उस आदमी ने सोचा कि इतने देवी देवताओं का हमने पूजा किया है, लेकिन एक भी देवी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न क्यों नहीं है? तो देवियों, उसने विचार क्या किया, ध्यान से सुनना। उसने विचार किया कि ओ, आज प्रसन्न ना होने का कारण मैं समझ गया, आज मैं ये रीजन जान गया कि भगवान क्यों खुश नहीं हो रहे। देखा कि जो अगरबत्ती लगाया था, सारा धुआं हनुमान जी की ओर जा रहा था। तो उसने कहा जब सारा धुआं हनुमान ही जी ले लेंगे तो कहां से कन्हैया खुश होगा, अगरबत्ती लगा दो। तो उसने उठाया और उठाकर रुई कॉटन हनुमान जी की नाक में भरना शुरू कर दिया ताकि धुआं इधर न ले पाए, सारा कन्हैया लेने चाहिए। अब भरना शुरू किया, हैरानी होगी कि वीर बजरंग बली उस समय प्रकट हो गए, हनुमान जी उस समय प्रकट हो गए। ये देखकर तो बेचारा डर गया। उसने कहा प्रभु, ये तो बहुत सुना था कि चारों युग परताप तुम्हारा, तुम तो सर्वत्र सब जगह हो, एकमात्र देवता जो चारों युग में रहते हैं, प्रभु सब जानते हैं, लेकिन आज न पूजा था, न भक्ति थी, न कोई श्रद्धा था। आज तो हम सोच रहे थे कि धुआं न लेने पाओ, इसीलिए हम तुम्हारे प्रति अपराध कर रहे थे, फिर भी तुम प्रकट हो गए। तो हनुमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही। हनुमान जी ने कहा भैया, वो बात तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुमने आज ये माना भी तो कि मूर्ति के अंदर भगवान होगा, उसको भी धुआं लगता होगा, उसके पास भी धुआं पहुंचता होगा, कम से कम आज ये माना तो, एक बार मान तो जाओ कि परमात्मा है।